थी गाई साइंस एंड टेक पार्ट इन जी एस थ्री हाउ यू कैन प्रिपेयर दैट किस तरीके वीडियो तो देखिए जो साइंस एंड टेक का पार्ट है जीएस थ्री के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है वो पिछले अगर आप जीएस थ्री लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे यूपीएससी सी एस सी मेन्स टू जीरो टू वन का तो चार से पांच क्वेश्चन आए थे वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंस एंड टेक को थोड़ा सा लेवल पे प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा तो अब मेटीरियल टेक के लिए क्या है ओनली मेन थ्री अलावा तो कोई ढंग का डॉक्यूमेंट है ही नहीं से आप साइंस एंड टेक तैयार कर सकते हो लेकिन जो मेन्सटी है उसमें भी एक प्रॉब्लम है वन प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या problem है कि इट इज वेरी बल्कि डॉक्यूमेंट है ना और लॉट ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस मेंस 365 डॉक्यूमेंट इन साइंस एंड टेक तो कंप्लीटली इसको भी कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है

तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन्स थ्री है जो अभी आया है उसका टॉपिक लिस्ट ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूं टेलीग्राम उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा अभी साइंस एंड टेक का आई विल बी टेलिंग यू है ना तो दोबारा से बताता हूं मैं एक बार फाइव स्टार थ्री स्टार वन स्टार का क्या सिग्निफिकेंस है जो फाइव स्टार टॉपिक है दे आर कॉम्प्रिहेंसिव इन देंसेल एंड दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड मतलब ये टॉपिक ऐसे है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐसा कैसा उठ के मेन्स एग्जामिनेशन में आ सकता है स्टार वो टॉपिक है एंड फाइव स्टार में एक और चीज याद रखिए जब आप लास्ट में रिविजन करो मतलब एग्जाम से वन वीक पहले जब आप रिविजन कर रहे हैं देन फाइव स्टार आर द टॉपिक्स जिनको आप एंड में एक वीक में रिवाइज करके जाएंगे है ना देन थ्री स्टार टॉपिक दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे कैन भी डायरेक्टली आज लेकिन ये वो टॉपिक है जो पिछले चार पांच साल से न्यूज में है और अभी तक यूपीएससी की नजर इन इनपे नहीं पड़ी है पॉसिबिलिटी है वो वहां से पूछ ले तो उनको भी आपको करने चाहिए बट एंड में आप उनका रिवीजन जो लास्ट का रिवीजन होता है वहां पे आप इसे छोड़ के जा सकते हो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है देन वन स्टार टॉपिक आर देर दॉपिक विच बी ओनली इनडायरेक्टली यूटिलाइज मतलब डायरेक्टली वन स्टार टॉपिक विल नॉट कम इन द डायरेक्टली एग्जामिनेशन ओनली दे कैन बी इनडायरेक्टली यूटिलाइज इन एनी अदर क्वेश्चन आंसर मतलब एक्साम्पल की तरह कहीं और यूज कर लिया इस टाइप के वन स्टार टॉपिक हैं ठीक है ना सो so, ये तो स्टैटिक के हैं स्टैटिक आपको आगे मिल जाएगा तो फाइव स्टार थ्री स्टार वन स्टार अब देखते हैं साइंस एंड टेक थ्री सिक्सटी फाइव में क्या वो क्लासिफिकेशन है चलो नेक्स्ट फाइव स्टार टॉपिक इन द साइंस एंड टेक देखो क्या क्या क्लासिफिकेशन है ओनली आर द टॉपिक्स जो मुझे लगता है फाइव स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी गुड आर्टिकल जहां पे ये दिया हुआ है कि क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस हैं क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं विच कैन कम इन टू द एग्जामिनेशन परफेक्ट टॉपिक फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन देन फाइव जी बिकॉज फाइव जी और फोर जी में क्या डिफरेंस है है ना ये एक सिंपल फाइव मार्कर या टेन मार्कर टाइप का जी थ्री में आ सकता है डेटा सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाई क्योंकि आफ्टर द कोविड अगेन डेटा बहुत सारा ज्यादा जनरेट हुआ है एंड डेटा प्रिवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है फंडामेंटल राइट भी अब डिक्लेयर कर दिया गया है है ना एंड डेटा सेंटर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट इशू कि इंडिया में हमें डेटा सेंटर बनाने हैं ताकि हम डेटा इंडिजीनियसली स्टोर कर पाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू देन अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस यहाँ पे क्या है कि स्पेस के क्या क्या बेसिक यूज हैं स्पेस में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एटसेट्रा एटसेट्रा तो एक जनरल परस्पेक्टिव आपको मिलेगा एक बोल बच्चन ज्ञान मिलेगा जो आप किसी भी स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन में लिख सकते हो देन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस क्वेश्चन पेंडिंग है दो साल से जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था आफ्टर द कोविड उसमें हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म अनाउंस किया जहां पे हम ये बोल रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का का पार्टिसिपेशन स्पेस स्पेस में होना चाहिए वी वर इंस्पायर्ड बाय बाय द यूएस जो कंपनी है एक्स लेड एलन वहां से इंडिया इंस्पायर्ड हुआ ठीक है नैनो टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बेसिक बेसिक आर्टिकल है यहाँ पे कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या यूजेस हैं क्या चैलेंजेस हैं इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है तो वो आर्टिकल

आगे चलते हैं थ्री स्टार टॉपिक अब दिस इज द लॉन्ग लिस्ट थ्री स्टार की है ना देखो किस टाइप के टॉपिक है जियो स्पेशल डेटा गगनयान चंद्रयान स्पेस सब ये पिछले साल से न्यूज में है लीगो हो गया ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हो गया स्टेम सेल हो गया जीनोम हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया ऑल दीज आर द कम से कम पांच साल पुराने टॉपिक है ठीक है तो एक बेसिक ओवरव्यू उनका आपको लेना है नेट न्यूट्रलिटी उससे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि डेथ में सारे पॉइंट रटो और उसके बाद आखिरी में भी इनको रिवाइज करो है ना ज्यादा दो बार इनको आपको पढ़ना पड़ेगा फाइव स्टार को तीन बार पढ़ो। तीन बार पढ़ो बार 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 पढ़ो पढ़ो मतलब पहली पढ़ा दूसरी बार फिर रिवाइज किया और लास्ट में एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज किया थ्री स्टार को दो बार पढ़ो एक बार पढ़ा और एक बार रिवाइज किया और वन स्टार को खाली एक बार पढ़ो तो ये क्लासिफिकेशन एफिशिएंट रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ठीक है अब वन स्टार टॉपिक लॉन्ग लिस्ट अगेन तो काम आपका कम हो गया है ना अगर आपको पता है ऑल दीज आर स्टार टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन तो आप इसको डेथ पे करोगे नहीं है ना खाली नाम देखो आप सोच के देखो आइडिया क्या है नॉन फंजेबल टोकन एन एफ टी में क्वेश्चन आ सकता है जो कि आया भी है ना लेकिन मेन्स में इसमें डिटेल क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं है है ना क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट ऑफ थिंग साइबर फिजिकल सिस्टम डार्क नेट दीज आर दन लाइनर थिंग क्या आप इनके बारे में पढ़ो और वन लाइनर ट्वेंटी वर्ड्स ट्वेंटी फाइव वर्ड्स में आपको पता होना चाहिए क्या है इससे ज्यादा डिटेल में डेथ में आपको जाने की इन टॉपिक्स में जरूरत नहीं है तो दिस इज द लॉन्ग लिस्ट तो काम आप, का, आपका काफी काम डाउनलोड का कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं हो गया बस थैंक्स फॉर वाचिंग इसी तरीके से देर आर वेरियस इनिशियटिव है एट एट थोड़ा बताता हूं मैं आपको क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं देखिए एक तो वी आर स्टार्टिंग अनदर न्यू सीरीज एम स आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो मैं आपको बताता हूं ये आइडिया क्या है इफ यू रियली लाइक दिस आइडिया है ना देन डू कमेंट इन द बिलो डू कमेंट बिलो जो आपका कमेंट बॉक्स है वहां पर जरूर कमेंट करें बताता हूं मैं आपको यह क्या आइडिया है मेन्स बेस्ट प्रैक्टिस देखो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है हाउ यूपीएससी इज इवेल्युएटिंग योर मेन्स कॉपी है ना अगर आप पिछले काफी सालों से देखेंगे तो क्वेश्चन रेस किया गया है इस चीज के बारे में कि एक्चुअली इतने सब्जेक्टिविटी के ओशियन में हाउ यूपीएससी इज मेंटेनिंग द ऑब्जेक्टिविटी अबाउट द इवेल्युएशन किसी की इवेल्युएटेड कॉपी यूपीएससी पब्लिक नहीं करता है है ना दैट वी नो क्योंकि फिर तो बात ही खुल जाएगी कि इस तरीके से वैल्युएट हो रहे हैं लेकिन ऐसे में एक, एस्पिरेंट के लिए मुश्किल क्या आ जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही नहीं है जिस बेसिस पे डिसाइड कर सके कि अच्छे आंसर का मीनिंग क्या है द बेस्ट प्रैक्टिस मेरे हिसाब से मेन्स बेस्ट प्रैक्टिस मैंने इसीलिए सीरीज का नाम रखा है बेस्ट प्रैक्टिस किस तरीके से आप डीकोड कर सकते हैं वॉट सर्चिंग इन एनी वन पर्टिकुलर आंसर इज टू द टॉपर्स कॉपी है ना जो भी टॉपर्स रहे हैं जिनके अभी तक अच्छे मार्क्स आए हैं अलग अलग पेपर में अगर उनके उनकी कॉपीज को हम डीकोड कर लें है ना उनकी कॉपीज को अगर हम डी कर लें तो हम पता लगा सकते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती होंगी आंसर राइटिंग में सो दिस इज द न्यू सीरीज न्यू आइडिया विच वी आर स्टार्टिंग

जो मंथली मैगजीन आती है उस मंथली मैगजीन में भी मैं आपको स्टार 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 की रेटिंग करके दूंगा ताकि करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ओरिएंट किया जा सके थोड़ा स्ट्रेटेजाइज किया जा सके थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सके वरना वो बर्डन बन चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है तो हर मंथ का आई विल बी टेलिंग यू जैसे जून का आई विल बी टेलिंग यू टुमारो ऐसे पुराने कुछ जो मंथ है उनके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट दे दिया करूंगा फाइव स्टार थ्री स्टार वन स्टार है ना अपडेट विद रिगार्ड टू ऑल दू इनिशियेटिव ऑफ द एड्स आर थी सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट टू नो की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव वी आर रनिंग चले थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम